दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट की नेक्स्ट जनरेशन वाली मॉडल के बारे में डिटेल में बताएंगे, जिसकी टेस्टिंग भारत में शुरू हो चुकी है और ये भारत में जल्दी ही लॉन्च भी होगी। मौजूदा स्विफ्ट के मुकाबले नई लुक और डिजाइन के साथ ही बेहतर फीचर्स से लैस अपडेटेड स्विफ्ट अगले साल यानी कि 2023 में भारत में लॉन्च होगी। फिलहाल कंपनी अपनी नेक्स्ट जनरेशन मारुति ऑल्टो लॉन्च करने की तैयारी में लगी हुई है। खबरों की माने तो नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट को ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया जा सकता है। टेस्टिंग यूनिट की स्विफ्ट में नई डिजाइन की फ्रंट ग्रिल और स्लीकर हेडलैम्प के साथ ही नया बम्पर, चौड़े एयर इंटेक देखने को मिलेंगे। मौजूदा मॉडल के मुकाबले अपडेटेड स्विफ्ट ज्यादा लंबी और बेहतर स्पेस के साथ आएगी। इसके साथ ही इसमें नई अलॉय व्हील, रूफ माउंटेड स्पॉइलर, ब्लैकआउट पिलर जैसे एक्सटीरियर से जुड़ी खूबियां भी दिखेंगी। माना जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन मारुति स्विफ्ट को बेहतर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिससे कि यह मजबूत भी हो और सुरक्षित भी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेक्स्ट जनरेशन मारुति स्विफ्ट में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस 1.2 लीटर K12N डुअल जेट पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो कि 89 bhp की पावर और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है। ये कार मैनुअल के साथ ही ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आएगी। तो नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट के बारे में आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।